दोस्तों, आज की एक नई रात और एक नई कहानी। ये कहानी चार दोस्तों की है जो भारत के मुंबई शहर में रहते थे और एक ही फर्म में काम किया करते थे। उनकी दोस्ती इतनी घनी थी कि ऑफिस से छूटते ही चारों एक बियर बार में नियमित रूप से साथ में जाया करते थे। हमेशा विस्की के तीन तीन पैग पीकर ही अपने अपने घरों में पहुंचा करते थे। यही नहीं, कोई गलत फहमी ना हो इसलिए चारों अपने अपने हिस्से का बिल भी नियमित दिया करते थे। कुल मिलाकर चारों जब तक रात को मस्ती भरे चंद घंटे साथ में न बिता लें, घर नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन समय ने करवट बदली। एक दोस्त के किसी दूर के रिश्तेदार की अमेरिका में मृत्यु हो गई। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, सो उन्होंने अपनी विल में न सिर्फ अपनी संपत्ति बल्कि व्यवसाय की तमाम जिम्मेदारी भी उस दोस्त को सौंप दी। निश्चित ही उसकी तो लॉटरी निकल आई थी। जब उसने अपने दोस्तों को यह खबर सुनाई तो निश्चित रूप से वहां खुशी के साथ साथ थोड़ा गम का माहौल भी हो गया। स्वाभाविक रूप से खुशी दोस्त को श्रेष्ठ जीवन मिलने की थी और उदासी बिछड़ने की। वैसे बिछड़ने के नाम से वह दोस्त स्वयं भी कुछ उदास ही था। हालांकि उसने सबको आश्वस्त करते हुए समझाया कि जाना जीवन की मजबूरी है, पर दिल में तो आप सब बसे ही होंगे और फिर मैं स्वयं भी कोई लंबे समय तक आप लोगों से मिले बगैर थोड़ी ही रह सकता हूँ, अतः साल में एक आध बार तो मैं मिलने आ ही जाया करूँगा। खैर, दोस्त अमेरिका चला गया पर चारों का संपर्क बराबर बना रहा। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और अमेरिका गए दोस्त ने अपने दोस्तों को 7 रोज बाद स्वयं के भारत आने की खुशखबरी सुनाई। खबर ही कुछ ऐसी थी कि सुनते ही इस हसीन मुलाकात का सपना सबके मानस पर बुरी तरह छा गया। आखिर वो भारत आ पहुंचा और पहुंचते ही अपने दोस्तों से बात कर उसने पहले की ही तरह संध्या में मिलने का कार्यक्रम भी बना लिया। सिर्फ एक परिवर्तन था कि अब की उसने दोस्तों को 5-स्टार बियर बार में बुलाया था। कहने की जरूरत नहीं कि तीनों दोस्त ये सुनकर बड़े खुश हुए। दिन भर अपने दोस्त की तारीफ करते रहे कि इतना बड़ा आदमी हो जाने के बावजूद वह बिल्कुल नहीं बदला। खैर, संध्या में चारों नियत समय पर तय किए बियर बार में एकत्रित हुए। कहने की जरूरत नहीं कि मिलते ही सब बड़ी गर्मजोशी से आपस में गले मिले, तुरंत 4 पैक का ऑर्डर भी कर दिया। बाकी 3 दोस्तों ने तो बड़े उत्साहपूर्वक यह कहते हुए चीयर्स किया कि आज का पहला पैग हमारे उस दोस्त के नाम जो इतना बड़ा हो जाने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर तो दूसरा व तीसरा पैग भी इसी बात पर चीयर्स करते हुए पिया गया। अब 3 पैग ही पिया करते थे, सो पार्टी की समाप्ति होने लगी। तभी अमेरिका से आए दोस्त को क्या सूझी कि उसने सबके 4th पैग का ऑर्डर दिया और साथ में बिल भी मंगवाया। उसका उत्साह देखते हुए बाकी दोस्त भी रंग में आ गए। उधर अमेरिका से आए दोस्त ने 4th पैग चीयर्स करते हुए अपने जेब में हाथ डालकर अपना 4th हिस्से का बिल रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल नहीं बदला, उस बात के लिए एक बार फिर चीयर्स। क्या खाक चीयर्स! उसके द्वारा अपने हिस्से का बिल रखते देख बाकियों की शराब तो गले में ही अटक गई। सब बुरी तरह सकते में आ गए। वे तो ये सोचकर मस्त थे कि उनका रईस दोस्त 5-स्टार के बियर बार में पार्टी दे रहा है। उन बेचारों की अपनी कमाई के बूते पर 5-स्टार में पीने की हैसियत ही कहां थी। पर अब क्या किया जा सकता था। उधर अमेरिका से आए दोस्त ने सबको असमंजस में पड़ा देख फिर चीयर्स करते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारा दोस्त रत्ती भर भी बदला है? तीनों खिसियाते हुए एक साथ बोले कि नहीं मेरे बाप, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। वो बोला तो चलो फटाफट बॉटम्स अप करो। बेचारे क्या करते, बॉटम्स अप भी किया और बिल भी चुकाया।
बिल चुकाने में पूरे महीने भर की तनख्वाह चली गई। बेचारों का बचा हुआ महीना बड़ी कड़की में गुजरा। सच कहा जाए तो पूरा महीना इन तीनों ने उस दोस्त को कोसते हुए बिताया। तो साथियों, कहने का आशय यह है कि आदमी की कुछ फितरत ऐसी ही होती है कि अगर बदले तो भी कष्टदायक और न बदले तो भी तकलीफ। खैर, हम बदले नहीं हैं और रोज की तरह आपको एक कहानी सुनाकर ही मीठी मीठी नींद की ओर ले जाते हैं। तो अब नींद के आगोश में जाने का समय आ गया है। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।